भोजपुरी एक्ट्रेसेस क्यों आपस में लड़ती हैं, क्यों एक दूसरे की दोस्त नहीं होती और तो और एक दूसरे के साथ उनकी जमती भी नहीं है। एक एक्ट्रेस दूसरे एक्ट्रेस को फिल्म से निकलवाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देती है कि सामने वाली एक्ट्रेस को पता ही नहीं चलता है कि उसके खिलाफ इस तरह की साजिश रची गई है। भोजपुरी फिल्म में तो क्या, भोजपुरी की कई फिल्मों में नजर नहीं आएगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेसेस की दुश्मनी के बारे में। जी हाँ, जो कभी किसी से छुपा ही नहीं रहता। कभी काजल राघवानी अक्षरा सिंह को देखना नहीं पसंद करती, तो इसके पीछे वजह बताई जाती है कि अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के कभी बहुत करीब थी और तब अक्षरा सिंह ने काजल राघवानी को कई फिल्मों से निकलवाया था और अब काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के बहुत करीब है और अक्षरा सिंह पवन सिंह से दूर हो चुकी है तो उन्हें फिल्मों की जरूरत है। तो अब काजल राघवानी अक्षरा सिंह को उनकी हर एक फिल्म से निकलवा रही हैं, जिसमें खेसारी लाल यादव उनके साथ एज अ लीड हीरो नजर आने वाले थे। ये बात हो गई काजल राघवानी की। अब बात करते हैं आम्रपाली दुबे की। तो आम्रपाली दुबे काजल राघवानी को फूटी आंख नहीं पसंद करती। काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे की दुश्मनी तो जग जाहिर है। ये दोनों एक दूसरे को एक इवेंट पर एक छत के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको बता दें, पहले लल्लू की लैला फिल्म में काजल राघवानी थी, लेकिन आम्रपाली दुबे को ये जरा भी रास नहीं आया कि काजल राघवानी उनके साथ दिखे। इसलिए उन्होंने इस फिल्म में ऐसी चाल चली कि काजल राघवानी को इस फिल्म से आउट होना पड़ा और उनकी जगह यामिनी सिंह ने ली। अब आपको ये बता दें कि ये सब तो रही काजल राघवानी अक्षरा सिंह और आम्रपाली की दुश्मनी। अब आपको ये बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई नए और ताजा दुश्मन बने हैं। पहले तो मधु शर्मा और अक्षरा सिंह। जी हाँ, पहले इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो क्या, एक दूसरे की बातें तक करना पसंद नहीं करती। जी हाँ, पवन अक्षरा के मैटर में कुछ ऐसा विवाद हो गया कि अब मधु शर्मा और अक्षरा सिंह एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अक्षरा सिंह का कहना है कि मधु शर्मा ने उनका साथ नहीं दिया और मधु शर्मा ने उस वक्त पवन सिंह का पूरी तरह से साथ दिया, जबकि पवन सिंह पूरी तरह से गलत थे, ये मधु शर्मा जानती हैं। इसके एवज में मधु शर्मा ने ये कहा कि भले ही अक्षरा मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही है, लेकिन मैंने कभी भी पवन को बदतमीजी करते नहीं देखा। ये रही ताजा ताजा दुश्मनी अक्षरा सिंह और मधु शर्मा के बीच। अब आम्रपाली और संभावना सेठ की दुश्मनी भी सुन लीजिए। भाई, आपको तो याद ही होगा कि पिछले दिन यूट्यूब को दिए इंटरव्यू में संभावना सेठ ने जमकर बिना नाम लिए आम्रपाली दुबे को जमकर लताड़ा और इस पर जिसने ये इंटरव्यू देखा सब समझ गए कि आम्रपाली दुबे के बारे में ही संभावना सेठ बोल रही है। हाँ, ये बात है कि एक्शन का रिएक्शन नहीं हुआ और इसके बदले में, यानी कि संभावना ने जितना कुछ बोला था उसके बदले में कुछ भी नहीं कहा आम्रपाली दुबे ने। वैसे ये अकेले ही भोजपुरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है जहाँ हीरोइन हीरोइन दुश्मन बन जाती हैं, बल्कि ये हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड हर जगह मौजूद है कि जब एक हीरोइन दूसरे हीरोइन को फूटी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे ये डर लगा रहता है कि कहीं फिल्म में ज्यादा से ज्यादा रोल सामने वाली हीरोइन का ना हो जाए और उन्हें लाइमलाइट मिले ही नहीं। वैसे भी इस इंडस्ट्री में अपने आप को जमाए रखने के लिए लाइमलाइट में बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर हीरोइनों के बीच दुश्मनी ही हो। भले ही रानी चटर्जी ने पवन सिंह के मामले में अक्षरा सिंह को खरी खोटी सुनाई हो, लेकिन रानी चटर्जी, अंजना सिंह और लवी रोहतगी, जी हाँ, ये तीनों भोजपुरिया की बेस्ट फ्रेंड है। जी हाँ, इन तीनों के बारे में ये कहा जाता है कि ये तीनों यारों के यार हैं। जहाँ ये तीनों होती है महफिल वहीं से शुरू हो जाती है। इन तीनों की इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप की शायद कश्में खाई जाएंगी आगे चलकर। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।